हाँ जी स्टूडेंट्स, की हाल ने। ये अपनी लास्ट वीडियो है आर्टिकल 21 ते, तो ये राइट टू लिव पीसफुली, जिंदगी जीने के अधिकार दे विच, राइट टू लाइफ दे विच, राइट टू लिव पीसफुली भी आ जाता है। शांतिपूर्ण तरीके नाल जिंदगी किदा नहीं जी करता, साड़ी साड़ी जिंदगी बड़ी शांतिमई शांतमई तरीके नाल जिंदगी जी, आप समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो शांतमई पीसफुल जिंदगी जीण का अधिकार हरेक नूं मिलिया होया। ये चाहे दीपिका वर्सिस स्टेट ऑफ यूपी 2014 का केस नोट कर लो। तो इस दीपिका वाले केस में क्या गया कि अगर कोई लड़का तो कोई लड़की है और दोनों 18 साल तो उपर ने और कट्ठे रहना चाहते ने, वो रह सकते हैं, स्टेट ही नहीं रोक सकती उन्होंने, ना उन्होंने पेरेंट्स रोक सकते क्योंकि वह बालग हो चुके ने। चाहे उन्होंने विआह होया हो या ना होया हो भी कोई कोर्ट कहती कोर्ट साडा कोई लेना देना नहीं इस चीज़ ना भी उन्होंने विआह होया या नहीं होया। समाजिक तौर पर तो विआह होना जरूरी है ना, समाज अलाउ नहीं करता इन्हें कपल्स नूं कट्ठे रहने लई। लेकिन वड्डे वड्डे शहरों में तुसीं देखा होगा, बॉम्बे वर्गे शहरों या कलकत्ता च दिल्ली च भी लिव इन रिलेशनशिप अजकल बड़ी हो रही ने, मुंडे और कुड़ी कट्ठे रहते हैं बिना विआह तो। तो कोर्ट्स आर नॉट कंसर्न वैदर देयर मैरिज इज सॉल्मनाइज्ड और नॉट, कोर्ट इन्हें कोर्ट कहती मेरा इस चीज़ में कोई लेना देना नहीं भी उन्होंने विआह होया है या नहीं होया। अगला है स्पीडी ट्रायल, ये तो आप कर ही चुके हैं भी ट्रायल स्पीडी होनी चाहिए है, मुकदमा एंड भी तरीक ते तरीक तरीक ते तरीक पई जाए, जल्दी मुकदमा खत्म होना चाहिए। अपने अपने भारत में केसा की पंड बहुत ज़्यादा हुई पी है, बड़े पाइले फोए पे ने केस, उन्हें जज नहीं होंगे, जजा की भर्ती घट है। हम भारत की गल करिए, एक लख पापूलेशन के पिछे 10 जज होंगे, 1 लख की पापूलेशन के पिछे 10 जज ने, तो जजा की भर्ती भी ज़्यादा होनी चाहिए है। तो यह तो चलो स्टेट का काम है, आप दखल नहीं देते। गल यह भी ट्रायल हुण कितने कितने भी रिलेटेड है ही है ना, जो जज घट हो गए केसा की पेंडिंग ज़्यादा फाइल ज़्यादा हो गया फिर वो जज जजा के प्रैशर पैदा, जिन्हें जज है उन्होंने प्रैशर बहुत ज़्यादा है केसा हल कर, उन्नी फाइलिंग होती है दुगनी तो फाइलिंग हो रही है, निपटारा घट हो रहा। तो इस चीज़ बारे स्टेट को देखना चाहिए, वध तो वध भर्ती होनी जरूरी है और आने वाले समय भर्ती होगी भी, तुम अपनी जुडिशरी की तैयारी करते रहो नाल। तो स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, तो स्पीडी इन्वैसटीगेशन भी होनी चाहिए, नवा शब्द लभ्या इन्वैसटीगेशन भी स्पीडी। देखो ट्रायल का काम की है, ट्रायल का काम है कोर्टा का, इन्वैसटीगेशन का काम की है, इन्वैसटीगेशन का काम है पुलिस का। तो पुलिस को भी अपना जोड़ा है इन्वैसटीगेशन फास्ट करनी जरूरी है। तो यह है एक केस है सुब्रता चतुराज वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, ये नोट कर लो। अगला केस है केस तो खैर नहीं है, स्कोप दस्या होया आर्टिकल 21 का, बस वो तुम्हें पहले भी दस्या भी जो भी प्रोसीजर एस्टैबलिश बाई लॉ होंदा है, आर्टिकल 21 की वर्डिंग पढ़ोगे वो प्रोसीजर रीजनेबल फेयर ते जस्ट होना जरूरी है। मेनका गांधी विच स्कोप दस्या होया, मैं तुम्हें रिपीट करने की लोड़ नहीं। अगला हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 21 है जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मिली हुई है, थोड़ू जिंदगी जीवन का अधिकार है और परसनल फ्रीडम का अधिकार है, ये कहते अपने संविधान का दिल ते आत्मा है, संविधान की दिल ते आत्मा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एड्डा इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ये बिना तो सारे आर्टिकल खत्म, सब तो वह इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट है। दूजे नंबर पर आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट की रिट पा सकते हो, वह प्रोसीजर दिता हुआ है। सारे फंडामेंटल राइट को प्राप्त करने का जरिया की है आर्टिकल 32, जिसे सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट की रिट पा सकते हो। लेकिन सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट के आर्टिकलों में सब तो इंपोर्टेंट है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 आर्टिकल 20 भी प्रोटैक्ट करता, तो आर्टिकल 22 भी प्रोटैक्ट करता है, ये ध्यान ना तुसी नैक्सट लैक्चर मैं तुम्हें दसूँगा। तो एक केस है मुहम्मद शुकर अली वर्सिस स्टेट ऑफ असाम 2011, इस केस में कहा गया कि आर्टिकल 21 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडिया। अगला है सैक्शुअल हरासमेंट, तो लेडीज़ की सैक्शुअल हरासमेंट वर्क प्लेस जिते वो काम कर दिया नहीं होनी चाहिए, ये वास्ते प्रॉपर लॉ नहीं 1997 तक ना, हाँ रेप केस या रेप लॉ या IPC यह जी के ये जो आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वूमेन 354 IPC, ठीक है, फिर 509 है इनसल्टिंग द वूमन, तो ये चीज़ा है, लेकिन एक्चुअली कोई यह जहाँ सैक्शन नहीं जिद सैक्शुअल हरासमेंट
क्योंकि रेप या जो ये तो चलो एक्सट्रीम हो गया, सैक्सुअल हरासमेंट भी होंगी है मेल्स वालों वूमन की, छेड़खानी सैक्सुअल हरासमेंट वर्कप्लेस से, उन्होंने रोकने लिए कुछ गाइडलाइनस सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वट इज द स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 के केस में दितिया ने, जो हरेक सरकार हरेक स्टेट की सरकार फॉलो करनी जरूरी ने। यह है तो विशाखा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी वर्कप्लेस जिथे कुड़ियां या लड़कियां या फीमेल्स काम कर दिया ने उत्थे उन्हां दी हरासमेंट अगर मेल करते हैं, ये उन्हें लड़कियां या कुड़ियां या फीमेल के आर्टिकल 15 जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की वायोलेशन है। तो कोर्ट ने डिटेल्ड गाइडलाइन दित्तियां जिदे राही कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया कि सारे जिहड़े इंपलॉयर्स ने, चाहे प्राइवेट तौर पर या सरकारी जिहड़े इंपलॉयर्स ने या प्राइवेट कारपोरेट्स ने या कंपनियां ने गैर सरकारी या सरकारी, उन्होंने सूटेबल कदम चकने चाहिए ने कि उन्होंने अदारे में अगर लेडीज़ काम कर दिया ने तो उन्होंने प्रोटेक्शन की जाए और उन्होंने एक समा निश्चित किया जाए, फलाने समय से आ सकदियां फलाने समय से जा सकदियां ने, और वो एक लैटर बॉक्स रखा जाए, एक कंप्लेंट मकैनिज़म होवे हरेक कंपनी में, अगर कोई लड़की की छेड़खानी करता है कोई लड़का उत्थे काम करने वाला या उसकी सैक्सुअल हरासमेंट करता तो वो अपनी कंप्लेंट भी अपने ऑफिशियल दे सके वो लड़की। तो ये प्रॉपर गाइडलाइनस फॉलो हो रही ने कि नहीं हो रही, ये तुम दसना है कॉमेंट्स में कि वाकई सर ये गाइडलाइनस फॉलो हो रही भारत में कि नहीं हो रही। और एक होर है थोड़ा होमवर्क, तुम कमेंट्स में लिखो कि इस केस तो बाद कोई वाकई लॉ बनया, ये तो गाइडलाइनस चलो बन गई कोर्ट वालों दतिया कि कोई बिल पास हुआ सैक्सुअल हरासमेंट का, ये कमेंट्स में लिखो। अगला है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, अंडर ट्रायल हवालाती है, हवालाती कहते होंगे जिन्हों के केस हजे चली जाता मुकदमा चली जाता फौजदारी, लेकिन फिलहाल वो जेल में बंद ने अंडर ट्रायल ने, उन्होंने बेल मिल भी सकती है बेल नहीं भी मिल सकती, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बेल नहीं मिली तो जेल च ने, तो कि उन्होंने कोई हक बनता आर्टिकल 21 है, बिल्कुल है। हुसैन आरा खातून वर्सिज होम सैक्रटरी पहले भी दस्या होया स्टेट ऑफ बिहार पटना 1979 का केस है। तो इस हुसैन आरा केस में कहा गया कि जो हवालाती है अंडर ट्रायल प्रिजनर है जेल च है, लेकिन वो जेल च कदों का पिया होया, उन्हों सज़ा भी हो चुकी है, सज़ा का समा भी लंघ चुके है, उन 10 साल की सज़ा हुई सी फॉर एग्जाम्पल, 10 साल का समा लंघ चुके फिर भी जेल चो कढ़ती नहीं सरकार, उन्होंने स्टेट जी जेल अथॉरिटी जेल चो बाहर नहीं कढ़ती, की गल भाई वह सज़ा का समा भी लंघ गया, पनिशमेंट का सज़ा भी समा भी लंघ गया, जो IPC सज़ा दी हुई है वह समा लंघ चुकया हो, और फिर भी तुम बाहर नहीं कढ़ते, उन्होंने रिलीज़ करना जरूरी है, कुछ फॉरमैलिटियां होंदिया ने वो पूरी करनिया होंगे। अगला है मैथ्यू वर्सिज स्टेट ऑफ बिहार 1984 आ वाला, तो मैथ्यू वर्सिज स्टेट ऑफ बिहार में क्या गया कि जेडे परसन जेलों में ताड़े हुए ने कानूनी तौर पर, लेकिन उन्हें सॉरी गैर कानूनी तौर पर पुलिस वालों गैर कानूनी तौर पर, कानूनी तौर पर नहीं, जेड़े लोगों पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हवालात बंद किया हो या थाने बंद किया या हवालाती ने, कोई ट्रायल नहीं उन्होंने चल रहा, कोई मुकदमा नहीं, कोई चार्ज भी नहीं है उन्होंने, उन्होंने इमीजिएटली रिलीज़ कर दिया जाए, ये हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का इस केस पुलिस नू स्टेट नू। अगला है रमेश कुमार सिंह वर्सिज स्टेट ऑफ बिहार 1987, ये नोट कर लो, ये कहा गया लास्ट केस है आर्टिकल 21 के संदर्भ में कहा गया सुप्रीम कोर्ट वालों के अक्यूज नू अगर पुलिस प्रोड्यूस नहीं करती तरीक ते कोर्ट पेशी पैंदी ना, पेशी ते पुलिस लियाउंदी नहीं जानबूझ के नहीं लियाउंदी, हर पेशी ते हवालाती नू कोर्ट मूहरे पेश करन दी जिम्मेवारी है पुलिस दी, और उस अंडर ट्रायल नू हवालाती नू पुलिस पेश नहीं करती, जज सामने लैके नहीं, पर जज नू किवें पता लगूगा भी वो कित्थे है, जज नू भी पता होना चाहिए जज जज कहदे वास्ते बने ने ये देखने वास्ते कि पुलिस धक्का तो नहीं करी, पुलिस टॉर्चर तो नहीं कर रही, और पुलिस हरेक तरीक ते कोई ना कोई बहाना लाई जाती है और पेश नहीं कर रही, चाहे प्रोसीक्यूशन है या पुलिस है, तो वो जड़ा है हुण पुलिस ने ही जुडिशल रिमांड तो पुलिस ने ही लिया सी ना, प्रोसीक्यूशन ने ही जुडिशल रिमांड लिया सी, लेकिन हर डेट पर हवालाती नू अक्यूज़ नू पुलिस पेश नहीं कर रही,
प्रोसीक्यूशन पेश नहीं कर रही तो यह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रमेश कुमार सिंह जी कहा यह उस अक्यूज का राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा। तो बेटे बच्चो ये थोड़ा राइट टू लाइफ के तीन चार लैक्चर जोड़ा है कंप्लीट होया। ये तीन चार लैक्चर त लगे है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है थोड़े जुडिशरी एग्जाम के पंजाब जुडिशरी के चलो कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं आता मेन्स में लेकिन और हरियाणा भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता लेकिन ध्यान रखो प्रीलिमरी के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा आऊगा और फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर चो दो तीन सवाल आई जाते हैं। जितने तक दिल्ली जुडिशरी की गल करिए दिल्ली जुडिशरी में प्रीलिमरी भी और मेन्स में भी कॉन्स्टिट्यूशन है और ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ये मैक्सीम थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही आते हैं और केस लॉज भी आते हैं और अगर ये वीडियोज़ तुम चंगी तरह सुन लिया मेरिया पंजाबी मीडियम वाले तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं होगी जिन्होंने पंजाबी नहीं आती उन्होंने भी शायद समझ आई जाऊगा। तो मैं थोड़ा थोड़े कमेंट्स जरूरी ने जोड़ा मैं उपराला कर रहा पंजाबी थोड़े लॉ की वीडियोज़ बना के थोड़ा दे रहा क्योंकि बिना कमेंट्स तो थोड़े देखो थोड़ा फीडबैक भी होना जरूरी है मैंने भी पता लगे कि मैं जो कर रहे हैं थोड़े लिए सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो दिल खोल के कमेंट करो और दसो कि तुम्हें ये वीडियोज़ पसंद आई हैं ता कि मैं फ्यूचर में भी थोड़े लिए पंजाबी मीडियम के वीडियोज़ बनावा। पहले मैं पंजाबी मीडियम वीडियोज़ बना तो थोड़ा झजक झिझ झिझकता सी क्योंकि पंजाबी बच्चों का दायरा जिहड़ा है पंजाबी जिहड़े पंजाबी बोलते हैं वो सिर्फ पंजाब च ने पंजाब तो बाहर तो सारे हिंदी बोलने वाले ने जिहड़े जुडिशरी एग्जाम च बैंदे या लॉ करन वाले लेकिन मेरे दिमाग फुरन आया कि नहीं यार पंजाबी अपनी लैंग्वेज मात भाषा में आप बोलीए और हेल्प करिए ठीक है। लेकिन थोड़ा फीडबैक बहुत जरूरी है तुम दसो थानू किवें लगी कि पंजाबी ही मैं कॉन्टीन्यू करना चाहिए है कि नहीं करना चाहिए जरूर कमेंट करो ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नैक्सट किसी टॉपिक नैक्सट किसी वीडियो सत श्री अकाल।